हेलो एवरीवन, सो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आर्टिकल 140 जो कि बात करता है एंसिलरी पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब ये जो टर्म है एंसिलरी पावर, इसका मतलब होता है कि जो नॉर्मल पावर है उनके साथ साथ कोई एक्स्ट्रा पावर्स जो लगता है वो पावर्स हैं, एंसिलरी साथ में चलने वाली पावर एक तरह से। तो पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना सकती है और वो सुप्रीम कोर्ट को कन्फर कर सकती है, ऐसी पावर दे सकती है जो सप्लीमेंटल हैं और इनकंसिस्टेंट नहीं होनी चाहिए प्रोविजन किसी भी प्रोविजन से संविधान के। मतलब कहना चाह रहा है कि पार्लियामेंट एक ऐसा लॉ बना सकती है जिसमें सुप्रीम कोर्ट को जो भी पावर चाहिए वो दे सकती है, लेकिन वो पावर्स जो हैं संविधान के किसी भी प्रोविजन कोई भी आर्टिकल्स के अगेंस्ट में नहीं होनी चाहिए, और जैसा पार्लियामेंट को लगता है कि ये ज़रूरत वाली है या ये डिज़ायर जैसा लगता है, जिससे कि काम जो है कोर्ट का वो इफेक्टिवली हो सके और जो एक्साइज जो सुप्रीम कोर्ट ज्यूरिडिक्शन कर रहा है इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट के काम को और सरल बनाने के लिए और सही ढंग से बनाने के लिए, आसानी तरीके से काम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। तो ये है आर्टिकल नंबर 140 और इसी वीडियो में मैं आज डिस्कस करूँगा आर्टिकल 141 जो कि बात करता है लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई भी कानून बनाया है या कोई भी कानून दिया है, वैसे कानून बनाने का काम तो सरकार का होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट जो होती हैं वही तो कानून बनाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कभी कभी गाइडलाइंस भी दे देता है। सुप्रीम कोर्ट जो अपने जजमेंट देता है उनको बेसिकली यहाँ पे लॉ डिक्लेयर्ड वाली बात करिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर कह दिया है कि अगर दो व्यक्ति एक साथ जाएंगे तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहलाएगा, तो अगर ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो जहाँ भी दो व्यक्ति जा रहे हैं वो ऐसा माना जाएगा कि वो एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, वो एक षड्यंत्र रच रहे हैं ऐसा माना जाएगा, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा कुछ कहता है तो वो जितने भी लोअर कोर्ट्स होंगे उन पर बाइंडिंग होगा। तो इसमें लिखा है कि लॉ डिक्लेयर्ड सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो जितने भी कोर्ट्स हैं इंडिया के अंदर उन सबों पर ये चीज़ें बाइंड हो जाती हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने बताई हैं। तो सुप्रीम कोर्ट अगर कह देता है कि दो व्यक्ति साथ जा रहे हैं तो वो षड्यंत्र रच रहे हैं, मतलब तो अगर आप लोअर कोर्ट में हैं ऑफिसर और आपके पास केस आता है कि साहब ये दो लोग साथ जा रहे थे तो इन्होंने ये षड्यंत्र रचा है, और अगर आपको बता दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये कहा है कि दो लोग साथ जाते हैं तो वो षड्यंत्र रच रहे हैं, और अगर वो पूरा फैक्ट मिलता जुलता है तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि ये लोग दो लोग जो हैं ये षड्यंत्र रच रहे थे। तो ये है आर्टिकल 141 जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है इस कॉन्स्टिट्यूशन का। थैंक यू।